हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज है बेसिक वीडियो एडिटिंग पार्ट 3। तो आज मैं जैसे लास्ट टाइम हमारा जो व्यूज आपने सीखा था उससे एक स्टेप हायर सीखेंगे। तो आज मोस्टली हम मीडिया पैनल, फिर उसके बाद एनोटेशंस पैनल, ठीक है, ये सारा सीखेंगे आज। तो आप पूरा भी वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और चलिए चलते हैं मैक्स स्क्रीन पर। गाइज, वेलकम टू द पार्ट 3 ऑफ बेसिक वीडियो एडिटिंग सीखिए, ठीक है। तो जैसे कि पहले पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरह से आप कौन से लैपटॉप्स और सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ कर सकते हो। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया था हमारे कैमटेशिया का। तो आज हम उसी में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। आपको मैं आज मोस्टली सिखाऊंगा कि किस तरह से आप वीडियो टाइमलाइन में लेके उसको एडिट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करके भी दिखाएंगे आप, ठीक है। तो आज ये बहुत ही अच्छा आपको सीखने मिलेगा और एक अच्छी चीज़, नई चीज़। तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, लास्ट तक देखिए। तो जैसे कि लास्ट में हमने यही बताया था कि पूरा चीज़ है, तो आपको अभी पता चल गया होगा। मीडिया पैनल, एडिटिंग पैनल, ये जो नीचे का है वो टाइमलाइन है, ये हमारा कैनवस है और ये हमारी मीडिया है, ठीक है। तो अभी कुछ वीडियोज़ पहले तो टाइमलाइन पे ले लेते हैं, जैसे कि ये चीज़ पर तो लास्ट टाइम ले लिया था, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टाइमलाइन पे ले लिया फर्स्ट, और ये सेकंड वीडियो भी ले लिया, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो वीडियो कैसा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अभी लाइन वाइज जाते हैं, ये जो मीडिया पैनल जो है उसमें पूरा सारा चीज़ें आपको लाइन वाइज बताऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जैसे आइकॉन्स तो मैंने आपको बता दिए थे, इंट्रोज भी आपको बता दिए थे, अभी कैसे दिखेगा ये बताता हूँ। जैसे कि एक इंट्रो ले लेंगे हम, जैसे एग्जाम्पल ये होगा, या ये वाला लाइन स्वाइप ले लेंगे हम, ठीक है। अभी इंट्रो तो आपको बताया कि वीडियो के आगे ही जाएगा, तो अभी ये बाकी दोनों क्लिप को हम सिलेक्ट करेंगे और साइड में खींचेंगे, ठीक है। ये जो वीडियो है इसको पहले रखेंगे, ये दोनों को वापस इसकी बाजू में रख देंगे। अभी ये इंट्रो जैसे दिखेगा, देखो जब मैं स्पेस बार दबाऊंगा, ये इस तरह से दिखेगा इंट्रो, ठीक है। अभी यहाँ पे हम थोड़े से चेंजेस कर दे सकते, जैसे कि ये हमारे सारे वीडियोज़ जो कि यहाँ पे हम डालने वाले हैं, ये सारे रेस्टोरेंट के हैं, ठीक है। तो एक इसको रेस्टोरेंट वाला थोड़ा सा कुछ ये दे देते, ये क्लिप को सिलेक्ट जब करोगे तभी यहाँ पे उसकी चीज़ें दिखेंगी, प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। शेफ़ वाला वीडियो सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी, ये वाला वीडियो सिलेक्ट किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। तो कभी जो हमारा इंट्रो है उस पर क्लिक करोगे तभी यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखेंगी। भी जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट में था, तो मुझे टेक्स्ट में इतने चाहिए, मैं कुछ होटल का नाम दे देता हूँ, जैसे कि फूड बाज़ार एग्जांपल, ठीक है, फूड बाज़ार, फूड बाज़ार हो गया। अभी www.foodbazaar.com दे देते, ठीक है। फिर कैमटेशिया जगह लिख देते हैं, कुछ इस तरह से एक मस्त पंच लाइन लिख देंगे हम, रेस्टोरेंट यू विल क्लेम फॉर foodbazaar.com। ये रेस्टोरेंट यू विल क्लेम फॉर की जगह ऐसा लगता है, जस्ट ट्राई इट वंस, ये सही लग रहा है ना, जस्ट ट्राई इट वंस, foodbazaar.com, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से दिखेगा, सही लग रहा है ना, फिर हमारा वीडियो चालू हो जाएगा।
समझे आप? तो बहुत आसान है ये चीज़ है। तो ये वैसे आप कोई भी इंट्रो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसको चेंजेस कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। वैसे समझो लोअर थर्ड डालना है। अभी लोअर थर्ड कब आता है, जब भी आपको चीज़ कुछ बतानी हो या फिर किसी को इंट्रोड्यूस करना हो, जैसे कि समझो अभी पे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, तो मैं ये वीडियो की स्टार्टिंग में एक लोअर थर्ड या अभी एक लोअर थर्ड डालूंगा। हम चेक कर दोगे यहाँ पे कैसे लोअर थर्ड आ जाएगा। तो अगर आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना हो तो तभी आता है लोअर थर्ड काम में, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं लूँ यहाँ पे कि ये लोअर थर्ड यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पे क्या क्या है लोअर थर्ड में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नाम है और उनका पोजीशन, मोस्टली वही होता है। आप नाम बता दो, पोजीशन बता दो। लोअर थर्ड में आप यही बताते हो सामने वाले का नाम और वो क्या काम कर रहा है, ताकि लोगों को एक आइडिया आ जाए, ठीक है। तो लोअर थर्ड की बात आते हैं मोशन बैकग्राउंड्स। अभी ये जो बैकग्राउंड हमारा ब्लैक है, जैसे कैनवास बैकग्राउंड है, यहाँ पे कोई क्लिप नहीं है अभी, तो अगर मुझे कुछ ऐसी बैकग्राउंड बनानी है, ऐसे खुद की बैकग्राउंड, तो ये इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे सोशल मीडिया आइकॉन्स, तो यही चलता जाएगा बैकग्राउंड में, जितना मैं खींचूँगा वही चलते जाएगा, समझ रहे हो। ये लैपटॉप स्क्रीन हो गया, लैपटॉप ओपन हो गया, तो ये एक है मोशन बैकग्राउंड, क्योंकि जैसे बताना है कि लैपटॉप ओपन हो रहा है, समझे। इसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, आप एक बार चेक कर लो। आपके इसमें जैसे कि वो भी डिपेंड करता है, ये चीज़ें अलग अलग लैपटॉप्स, अलग अलग कैमटेशन की वर्जन में अलग अलग होंगी। आपके पास अगर लेटेस्ट है, जैसे मेरे पास कैमटेशन 19 है, 2019, तो आपके इसमें अगर आपने 2020 का ले लिया होगा, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ मिल सकती है, थोड़ी कम भी मिल सकती है, मुझे नहीं पता, आप एक बार चेक कर लो। यहाँ पे कुछ बेसिक म्यूज़िक ट्रैक भी दे चुके हैं ये लोग ने, दे दिया है, जैसे कि ये नॉन कॉपीराइटेड ट्रैक्स है, आपको आवाज़ आ रहा होगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इनबिल्ट है। तो जैसे कि एग्जांपल कि ये हमारा पूरा इंट्रो होने के बाद मैंने ये वॉइस डाल दिया, ठीक है। हमारी क्लिप से स्टार्ट हो रहा है ये वॉइस, अब ये क्लिप से वॉइस चालू हो गया, समझ रहे हो। अब ये अगर आपको ऐसे करना है कि मुझे सिर्फ ये ही क्लिप के लिए वॉइस चाहिए, बाकी का पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो जब भी हमको कुछ क्लिप को कट करना है या फिर उसको और कुछ चेंजेस करना है, तो वो कैसे करना है भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। समझो मुझे ये क्लिप भी इतनी बड़ी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ तक ही चाहिए, यहाँ तक हाफ, या बोलो हाफ ही क्लिप चाहिए अप्रॉक्स। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ पे भी मुझे चाहिए वो क्लिप, उसमें राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और स्प्लिट एट प्ले हेड, मतलब कि ये जो मेरा कर्सर है, ये वाला कर्सर, उसके हेड पे मुझे क्लिक कर कट करना है, ठीक है। तो ये कट हो गए, अब ये दो अलग अलग क्लिप्स हो गए। उसी तरह से अगर मुझे इसे और दो पार्ट में क्लिक करना है, स्प्लिट एट प्ले हेड, राइट क्लिक करके और दो पार्ट में करना है, स्प्लिट एट हेड, समझे आप। अभी उसके बाद और क्या क्या ऑप्शन है राइट क्लिक में, वो देखते हैं। अगर मैं ये क्लिप सिलेक्ट करता हूँ, पहले तो मैं ये जितनी क्लिप काटी है उसको वापस रिकवर कर लिया मैंने कंट्रोल जेड से। अभी ये क्लिप को मुझे ऐड टू लाइब्रेरी, अपडेट मीडिया, ऐड क्लिप स्पीड, कॉपी प्रॉपर्टीज, हाइड प्रॉपर्टीज, रिपल डिलीट, रिपल कट, डिलीट कट कॉपी, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें भी देखते हैं क्या करके। अब ये कट और कॉपी तो आपको पता है कि मुझे अगर यहाँ से कट करना है और यहाँ पे अगर पेस्ट करना है, तो ये वो हो गया कट पेस्ट। सिमिलर वे में कॉपी पेस्ट, अगर मुझे डिलीट करना है तो ये इधर से डिलीट होगी, ठीक है, कंट्रोल जेड। अगर मुझे इसको रिपल डिलीट करना है, रिपल डिलीट मीन्स क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ ये चीज़, जैसे आपको समझा डिफरेंस। पहले जब भी मैंने डिलीट की तो ये वाली क्लिप उसी जगह पे थी, यहीं पे थी, और सिर्फ ये क्लिप डिलीट हुई थी, जैसे कि ये। रिपल डिलीट मतलब वो जगह खाली करके वो दूसरा क्लिप जो है उसको जोड़ दो, समझे आप। रिपल जैसे कि रिपल डिलीट किया तो ये क्लिप क्लोज आ गई, ठीक है।
अभी वैसे ही रिपल कट भी है, रिपल कट और रिपल पेस्ट, समझे? इजी। अभी हाइड प्रॉपर्टीज, मतलब अगर मैं यहाँ पे हाइड प्रॉपर्टीज क्लिक करूँगा तो ये पैनल बस हाइड हो जाएगा और कुछ नहीं है। शो प्रॉपर्टीज तो शो हो जाएगा, वो तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हो। उसके बाद कॉपी प्रॉपर्टीज, अभी समझो मैंने इस वाले इस पे कुछ चेंजेस किए, इस वाले क्लिप में स्केल बढ़ा दिया, पैसिटी कम कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया, उल्टा कर दिया, इसको वाई को ऐसे घुमा दिया, इसको ऐसे कर दिया। ये प्रॉपर्टीज मैंने इसके लिए चेंज किया। अभी ये वीडियो तो नॉर्मल ही है, ये वीडियो नॉर्मल है, ये वीडियो ऐसे चेंज्ड है, ठीक है? तो अभी मैं क्या इसकी ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है? अगर मुझे इसकी प्रॉपर्टीज कॉपी करनी है तो मैं इसको कॉपी प्रॉपर्टीज करूँगा, और अगर मैं इस पे पेस्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये भी टेढ़ी हो गई वीडियो। समझे आपको क्या हुआ? मैंने सारे जो उसमें चेंजेस किए हैं वो बस इस पे पेस्ट कर दिए, तो अभी वो भी क्लिप जैसी है वैसे की वैसी ये भी क्लिप हो जाएगी, सिंपल। तो अभी इसको थोड़ा सा हम कंट्रोल से ऐड कर लेंगे, वैसे ही ऐड क्लिप स्पीड। अभी मुझे क्लिप स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, जैसे कि मैंने ये वाले क्लिप स्पीड यहाँ पे, जब आप राइट क्लिक करके ऐड क्लिप स्पीड करोगे यहाँ पे क्लिप स्पीड का कॉलम प्रॉपर्टीज में खुल जाएगा। यहाँ पे स्पीड हमको करनी है समझो 3x, 4x, 2x, 8x, कितनी भी कर, मैं 4x कर रहा हूँ। अभी देखो ये क्लिप छोटी हो गई। अभी इसे छोटी क्यों हुई? क्योंकि ये पूरी फास्ट हो गई है, देख रहे हो? सिर्फ फास्ट फास्ट चल रहा है, ठीक है? ये स्लो है, तो उसी तरह से आप यहाँ पे क्लिप स्पीड चेंजेस कर सकते हो। वैसे ऐड टू लाइब्रेरी, अगर आप एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर ये क्लिप को आपको एज अ ये डालना है, मोशन बैकग्राउंड डालना है, कुछ भी डालना है, आपको खुद की लाइब्रेरी बनानी है। जैसे मुझे ये क्लिप अगर पसंद है, मुझे आगे भी यूज़ करनी है, तो मैं लाइब्रेरी में सेव करके रखूँगा, समझ रहे आप? अभी उसके बाद आता है स्प्लिट एंड प्ले ऐड, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अभी आते हैं एनोटेशंस पे, ठीक है? अभी एनोटेशंस में जैसे कि हम को टेक्स्ट डालना है, अभी ये फायर के साथ खेल रहा है, तो मैं यहाँ पे बस इसको उठाऊँगा, ये वाला एनोटेशन यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा इसको, और यहाँ पे डबल क्लिक। अभी इसको चेंजेस करने के लिए आपके पास, देखो मैं कैसे बताऊँ, इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है? सिलेक्ट हो जाएगा, इसको डिलीट करो, लिखो प्लेइंग विथ फायर या जो भी है, मैंने लिख दिया, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यार ये कैसे दिखेगा। अभी आप जो भी यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, एनोटेशंस हो या फिर कोई भी अगर इनबिल्ट क्लिप हो, तो ये यहाँ पे 5 सेकेंड्स के लिए ही आएगी, ठीक है? ये एक यहाँ का ये है, मतलब देखो अभी ये 15 से लेके 20 तक 5 सेकेंड्स के लिए ही आएगी। अभी समझो मुझे, देखो रहा, अभी ये तो पूरा हो गया, ये हमारी क्लिप स्टार्ट हुई, और यहाँ पे आने के बाद ये दिखाएगा ये प्लेइंग विद फायर। अभी ये 5 सेकेंड चला, अभी मुझे ये प्लेइंग विद फायर ये वाली पूरी क्लिप में चाहिए। मैं क्या करूँगा, इसको बस यहाँ पकड़ के एक्सटेंड कर दूँगा, तो ये देख सकते हो कि ये पूरे क्लिप में आ गए, सिंपल, राइट? अभी इसी को, एनोटेशंस को आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे कि बड़ा छोटा हो गया, ओपेसिटी, वही सारी चीज़ें। और ये एक चीज़ है कि आप उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, बोल्ड थिन, कलर चेंज कर सकते हो, ब्लैक वाइट, साइज चेंज कर सकते हो, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, लेफ्ट राइट सेंटर, और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्पेस, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अभी
वैसे ही यहाँ पे ये एक एनोटेशन में इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ ये कि ये है कुछ इस तरह का। इसके साथ एक पीछे आपको एक ऐसी वाइट स्ट्रिप मिल जाती है कि आप वो हाईलाइट हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा कि मीट बॉल्स, क्योंकि वही दिख रहा है मुझे स्क्रीन पे, मीट बॉल्स मैंने लिखा। यहाँ पे भी आप इसका ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी पहले बताई वो चेंज कर ही सकते हो। उसके साथ साथ आप बैकग्राउंड के भी कलर चेंज कर सकते हो। ये हो गया। अभी ये होता है लाइन आउट लाइन, ये अभी आपको दिख नहीं रही होगी, मैं ब्लैक करके बताता हूँ और थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूँ। अभी देखिए आपको लाइन, ये बैकग्राउंड लाइन आउट लाइन, उसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा करनी है तो कर सकते हो। सॉलिड चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, समझ गया। ये भी चेंज कर सकते हो किस तरह का चाहिए, ये भी चेंज कर सकते हो। ये सारा कस्टमाइजिंग का ऑप्शन ही प्रॉपर्टीज में आता है, ठीक है। तो वैसे ही हर एक प्रॉपर्टीज आप एक बार देख लो, कॉल आउट्स, ये इनको कॉल आउट्स बोलते हैं मोस्टली, तो ये हर एक कॉल आउट्स आप चेक करो। उसके बाद लाइन, अभी एरो आपको अगर डालने हैं यहाँ पे तो यहाँ पे दिखेगा नहीं, थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ, वाइट कर दूँगा, इस ब्लैक कर दूँगा तो आपको दिखेगा। लाइंस डालना है, एरोज डालना है, जो भी है इसका थिकनेस बड़ा छोटा करना है। लाइन डॉटेड चाहिए, कैसा चाहिए वो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी डॉटेड लाइन चाहिए, कैसी चाहिए, समझा, इजी है। उसी तरह से नेक्स्ट आता है शेप्स, कोई शेप्स अगर आपको ऐड करना है यहाँ पे तो ऐड करो, ट्रायंगल ऐड करो। इसको बड़ा छोटा करने के लिए आपको यहाँ पे पूरे ट्रांसफॉर्म ऑप्शन दिए है, इसको पकड़ के बड़ा कर सकते हो, इसको अगर इसको घुमाना है तो ये कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। उसी तरह से स्टार है, ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा, शेप्स आपको इजीली समझ जाएगा, कोई इशू नहीं है। फिर आता है ये, अगर हमको किसी प्लॉट को ब्लर करना है, जैसे कि मैं समझो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ये दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, एक तो ट्रायंगल और एक स्टार, बट मुझे इस स्टार को ब्लर करना है। स्टार हो या फिर समझो मैं कुछ लिख रहा हूँ या वो मैंने कुछ पासवर्ड वगैरह टाइप किया, अगर आप कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे हो जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, तो अगर आप भी कर रहे हो स्क्रीन शेयरिंग और आपको पासवर्ड वगैरह हाइड करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये वाला जो ब्लर है ना हाईलाइट, उसको उठाऊँ यहाँ पर लगाऊँ। तो जैसे आप लिख रहे हो यहाँ पे ब्लर हो गया है, अभी आपको ये इसकी वजह से नहीं दिखेगा, पर जब आप कुछ लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा, ठीक है। यहाँ पे आप उसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये अगर मोजाक करना है, इसकी भी इंटेंसिटी आप सेट कर सकते हो, इसके बाद आता है ये कुछ मोशंस डालने हैं आपको, तो वो ये भी यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो जाएगा आपको, ये हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे दिखेगा, देखो ये ऐसे आएगा। वैसे ये स्माइली है, स्टार है, टिक मार्क है, जो भी है, आप ये आपकी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप यूज़ करो। फिर हो गया ये, अभी ये एक आप अगर किसी को बता रहे हो कि आप स्क्रीन पे क्या कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं कि यहाँ पे आप देख रहे होगे की स्ट्रोक में कि यहाँ पे बता रहा है कीज़, अभी मुझे बताना है आपको कि आप डिलीट की प्रेस करके ये डिलीट कर सकते हो कोई भी चीज़, या फिर मुझे बताना है कि आपको इसके बाद शिफ्ट एफ दबाना है या जो भी है। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो शिफ्ट एफ दबाऊँगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे दिखेगा। अभी मुझे समझो करना है कमांड एक्स,
सकते हैं कमांड एक्स, या मुझे करना है कि एफ दबाना है, या मुझे करना है कि कमांड सी कॉपी बताना है। तो वही जो भी है आपको, फिर यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो कि बैकग्राउंड चाहिए नहीं चाहिए, कैसा चाहिए कमांड। यहाँ पे देखो कमांड दिख क्या आ रहा है, ट्रेडिशनल आउटलाइन। ये आपने मोस्टली देखा होगा बहुत सारी जगह कि लोग जब भी एडिट करते हैं, लोग सामने वाले को बताते हैं कुछ, तो आप वहाँ पे क्लियरली मेंशन करने की आप क्या प्रेस कर रहे हैं, तो समझेगा नहीं लोगों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। तो आपको ये पूरा आई गेस एनोटेशन पैनल समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में आई गेस इतना ही बताऊँगा मैं आपको, क्योंकि एनोटेशन भी वैसी चीज़ है कि आप इसको ट्रायल एंड एरर करो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझेंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांजिशंस देखेंगे। ठीक है, और ट्रांजिशंस सीखेंगे कैसे कर सकते हैं और कैसे वीडियो को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो मेरे को ज़रूर बताओ नीचे कमेंट करके, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स है तो वो भी बता दो, और कुछ स्पेसिफिक वीडियो आपको बना के चाहिए तो मुझे वो भी बताओ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी बजा दो अगर फ्यूचर वीडियोस आपको चाहिए। और कुछ नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी सीधे हम मिलेंगे फ्राइडे को हमारा एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप एडिटिंग।